बिहार में अपराधियों का तांडव मॉडल चल रहा है, ये एनकाउंटर मॉडल क्या खाक चलाएंगे? यूपी में तो एनकाउंटर मॉडल को जनता ने खारिज कर दिया, ये बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, गरीबी पर, अपराध पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। हर नरसंहार का बिहार, खौफ में जीता बिहार, उस बिहार को मोहब्बत का बिहार, कानून का राज में तब्दील करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने कानून के इनकाउंटर के माध्यम से किया। आप न्यूज़ कनेक्शन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक नए कानून जो है स्थापित करना चाह रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसे विरोध करने में लगी हुई है, तो वही सत्ता पक्ष जो है इसकी सराहना कर रहे हैं। इसी क्रम में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए एक तरफ कहा कि बिहार में अपराधियों का तांडव मॉडल देखने को मिल रहा है, तो क्या ये सरकार खाक संभालेंगे? यही नहीं, उन्होंने कहा कि यूपी में योगी मॉडल को जनता ने नकार दिया, या इन लोगों को रोजगार, बेरोजगारी, आर्थिक जो अभी महंगाई चल रही है, उन सब चीज़ों पर बयान नहीं दे करके ये लोग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जब तक यह सरकार में बने रहेंगे तो इसी तरह का कानून बनता रहेगा और अपराधी बेखौफ घूमते फिरेंगे। सत्ता पक्ष के तरफ से जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार में खौफ था, एक समय में 118 नरसंहार हुए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गद्दी संभाले थे उस दौरान बिहार को मोहब्बत में तब्दील किए थे। जरा पूरी बातों को सुने कि एक तरफ क्या कुछ कहना है विपक्ष की ओर से राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का और सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार का। बिहार में अपराधियों का तांडव मॉडल चल रहा है, ये एनकाउंटर मॉडल क्या खाक चलाएंगे? यूपी में तो एनकाउंटर मॉडल को जनता ने खारिज कर दिया, ये बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, गरीबी पर, अपराध पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, रोज लोगों की जाने जा रही है और ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर मॉडल चलाएंगे। अब क्या खाक चलाएंगे? अब सरकार से इनको जाना पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है, नहीं तो रोज पुल गिरते रहेंगे, रोज लोगों की हत्याएं होती रहेगी, यही है इनका डबल इंजन सरकार का महाजंगल राज। तो 18 नरसंहार का बिहार, खौफ में जीता बिहार, उस बिहार को मोहब्बत का बिहार, कानून का राज में तब्दील करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने कानून के इनकाउंटर के माध्यम से किया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल की सलाखों तक अपराधी, गुंडे और लंपटों को न्यायपालिका की विहित प्रक्रिया से भेजा। जब जेल के अंदर वह तड़पता है तो जनता सुकून महसूस करती है, आम लोग राहत महसूस करते हैं। क्या कुछ कहा, बता दें कि सरकार जो नई कानून लेकर आ रही है उससे कहीं ना कहीं अपराधी पर जो है लगाम लगाया जा सकता है। हालांकि यह कितना कारगर होगा यह तो समय के गर्भ में है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।